हलवा पूरी सुनते ही ऐसा लगता है ना कि बस मिल जाए, है ना। तो चलिए फिर एक बार स्वागत है आप सभी का क्रिएटिविटी एंड टेस्ट हिंदी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ यमी यमी हलवा पूरी की रेसिपी। पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप इसे एक बार ना बनाना ज़रूर, आई इंसिस्ट यू। और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी, और अगर नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी बनाएंगे और उसके बाद हम हलवा बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है। ये जो कप है वो 250 ग्राम का है, यानी कि मैं आधा किलो यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो आटा ले लिया है मैंने। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे पानी से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको गूंद के दिखाती हूँ, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ईजी है, तो मैंने स्किप की है। तो आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया है, थोड़ा सा सख्त आप इसे गूंद सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच तेल इस पे फैला दीजिए। जब तक हमारा तेल तलने के लिए गर्म होता है, तब तक हम इसे प्लेट से ढक के रख देंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी बेल लेती हूँ। पूरी आप छोटी सी लोई लें, तकरीबन लेमन के साइज की आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरी जो होती है काफ़ी छोटे साइज की होती है। तो छोटी सी थोड़ी सी लोई लें, अच्छी तरह से तेल लगाते हुए आप इसे बेल सकते हैं। बीच बीच में बेलते वक्त आप तेल लगाते रहिए, इससे क्या होगा आपको बेलने में आसानी होगी, साथ ही आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो बीच बीच में तेल लगाते हुए यहाँ पे मैं 2 पूरी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। तो 1 पूरी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। चलिए तो इसे पहले हम सेक लेते हैं। तो तेल तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, फुल फ्लेम पे आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेती हूँ, इसे पलट देती हूँ, अच्छी तरह से फूल जाएगी। ये देखिए फूल रही है, और पूरी अब बहुत ही अच्छी लगती है हलवे के साथ। तो ये 1 पूरी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से सिक गई है, दोनों तरफ से पलटते हुए इसे आप सेक लें, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो 1 पूरी हमारी बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैंने दूसरी पूरी यहाँ पे बनाई है, मैं वो भी तल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये गई दूसरी पूरी, तो इसे भी पलटते हुए हम सेक लेंगे। पूरी को ज़्यादा लाल ना करें, क्योंकि अगर लाल कलर हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएगी, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस सुनहरा गोल्डन कलर आने तक आपने इसे पलटते हुए पका लेना है। तो इसे मैं पलटते हुए पका लेती हूँ, काफ़ी अच्छी फूल गई है वैसे, ये अच्छी लग रही है। तो ये पलटते हुए पकाते हुए ये यहाँ पे हमारी दूसरी पूरी बनके बिल्कुल तैयार है। तो पूरी तो हमारी बन गई है, अब हम देखेंगे हलवे की नेक्स्ट प्रोसेस। अब टाइम है हलवा बनाने का, तो चलिए जल्दी से देखते हैं हलवे की प्रोसेस। तो हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध गर्म कर लेंगे। दूध आप फुल क्रीम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने दूध गर्म किया है तो आप वो दूध भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 कटोरी दूध लेंगे। यहाँ पे जो मेजर करेंगे हम वो 1 ही कटोरी से करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 3 कटोरी दूध डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो चलिए दूसरी तरफ हम कढ़ाई या पैन ले लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ पे मैं बड़ी चम्मच भर के घी ले रही हूँ, जिससे हम दाल सर्व करते हैं। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा, उसके बाद हम गैस कम कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। आपके पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट कम आँच पे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। तो ये रोस्ट हो गए हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट रोस्ट होने के बाद इसे हम सबसे पहले एक साइड में रख देते हैं। तो उसी कढ़ाई में जो घी गरम है ऑलरेडी, उसमें हम 1 से 1.5 कटोरी आप यहाँ पे बारीक वाली सूजी यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1.5 कटोरी सेम कटोरी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। सूजी डालने के बाद कम आँच पे इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, भूनते रहिए, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। उसी के साथ यहाँ पे मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये केसरी फूड कलर है। 3 से 4 चम्मच दूध ले लीजिए 1 कटोरी में, और उसी के साथ 1 से 2 चुटकी इसमें फूड कलर डाल के अच्छी तरह से मिला दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ दूध गर्म हो गया है, तो हमारी जो सूजी है गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें हम दूध डाल देंगे, कम आँच रखेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। तो पहले हम दूध अच्छी तरह से मिलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स।
उसी के साथ इसमें जो कलर हमने बनाया है वो डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब सूजी में केसरी कलर आता है तो ये और भी अच्छा लगता है। साथ ही इलायची पाउडर डाल दें आप 1 से 2 चम्मच, और उसी कटोरी में मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। साथ ही मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे नमक यूज़ किया है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप नमक अवॉइड करके मीठा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके घर में सभी बड़े हैं तो आप 1/2 चम्मच नमक इसमें डाल सकते हैं। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप चीनी कम डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसकी मिठास आप रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिला दें और अब हमारा हलवा तैयार। तो ये देखिए हलवा बन के बिल्कुल तैयार है, साथ में पूरियाँ हैं गर्मा गर्म, और आप इसे इंजॉय ज़रूर कीजिए। तीज त्यौहार पे बनाएं, जब भी आपका मन करे आप तब बना लीजिए। ट्राई ज़रूर करें, कुछ अलग खाने का मन है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। साथ ही अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।